हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 194IB जो कि TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। दोस्तों, सेक्शन 194IB में कुछ इंपॉर्टेंट चेंज जो कि बजट 2024 में लाया गया है, जिसको कि वीडियो में कवर करेंगे। साथ में TDS डिडक्ट करने के बाद उसको ऑनलाइन कैसे जमा करते हैं, साथ में कैसे उसकी रिटर्न फाइल की जाती है, इन सारी बातों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो क्या बोलता है ये सेक्शन के, यदि कोई इंडिविजुअल है HUF, मतलब वो नॉन ऑडिट केस में कवर्ड है, इन पर्सन के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। और दोस्तों, ये पर्सन जो है रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। तो यदि कोई इंडिविजुअल या HUF कोई रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लेकर के उसका इस्तेमाल करता है, तो दोस्तों यदि आप हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा आप रेंट का यदि पेमेंट कर रहे हैं इस रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, तो आपको पेमेंट करने से पहले, जो लैंडलॉर्ड है उसको पेमेंट करने से पहले आपको सेक्शन 194IB में TDS डिडक्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको TDS कब डिपॉजिट करना है, तो उसका टाइम भी सेक्शन 194IB में स्पेसिफाइड है। जनरली क्या होता है कि क्रेडिट या फिर पेमेंट जो दोनों में से कम हो, तो जनरली जो भी लैंडलॉर्ड होता है उसको पूरे ईयर में हमने कितना रेंट दिया उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे जब हम अपडेट करते हैं, या तो वो डेट हमारी होनी चाहिए टाइम ऑफ TDS का, यानी कि TDS डिडक्ट करने की टाइमिंग वो होनी चाहिए, या फिर जब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे चेक के थ्रू पेमेंट करें या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफर या कैश के मोड में या किसी एनी अदर मोड में यदि हम उसको पेमेंट करें, तो हम TDS को डिडक्ट करके तभी पेमेंट करें। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है, लोग 31 मार्च तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो यदि आप 31 मार्च तक अपने जो भी रेंट का पेमेंट है उसका टोटल अमाउंट यदि आप अपने बुक्स में अपडेट कर रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, TDS को डिडक्ट कर सकते हैं। या फिर जब टेनेंसी एंड होती है, लेट सपोज कि आपने 1 अक्टूबर से कोई भी एग्रीमेंट बनवाया है रेंट का, मतलब कि जो भी है फाइनेंशियल ईयर के बीच में यदि आपने कोई भी एग्रीमेंट बनवाया है, तो उसकी टेनेंसी जब एंड हो रही है, तो उस समय आप क्या करेंगे, TDS वगैरह डिडक्ट करके तब आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि यदि हमें TDS डिडक्ट करना है तो यहां पे किस रेट से हम TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। और यहां पे जो TDS डिडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो जो है टेनेंट की है, उसको TDS डिडक्ट करना है और उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। और दोस्तों, यहां पे जो लैंडलॉर्ड है जिसको कि आप पेमेंट कर रहे हैं, उसका पैन नंबर आपके पास होना जरूरी है। तो यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो उस केस में आपको 20% के रेट से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप 50,000 रुपीज से ज्यादा का यदि आप रेंट पेमेंट करते हैं, तो आपको 5% का TDS डिडक्ट करना जरूरी होता था। दोस्तों, यहां पर अब हम बात करेंगे कि बजट 2024 में क्या इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। तो यहां पे अब जो TDS कटेगा वो 5% के रेट से नहीं कटेगा, बल्कि अब ये 2% के रेट से कटेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए इंपॉर्टेंट है कि अब आपको जो है 1 अप्रैल 24 से लेकर 30 अब सितंबर तक का जो पीरियड है, यहां पे आपको 5% के रेट से अब आपको रेंटल रेंट पे TDS डिडक्ट करना होगा। और 1 अक्टूबर 2024 से आपको 2% के रेट से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर रेट काफी इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर से 2% का रेट एप्लीकेबल होगा। अब इसके बाद आपने TDS डिडक्ट कर लिया, अब उसे डिपॉजिट करने की भी एक टाइम लिमिट दी गई है कि आप गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या करें, पैन नंबर, जो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर है उसके अगेंस्ट में आप TDS को डिपॉजिट करा दें। तो बेसिकली यहां पे दोस्तों 30 डेज का टाइम लिमिट दिया जाता है। तो यदि आप हर महीने रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको 30 डेज का ये टाइम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको हर एक महीने क्या करना होगा, TDS रिटर्न फाइल करना होगा और उसका जो है टैक्स का पेमेंट, TDS का पेमेंट गवर्नमेंट को करना होगा। तो जनरली दोस्तों क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप हर महीने 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना TDS का रिटर्न और साथ में TDS का पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है मार्च का, यानी कि जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में, तो आप क्या कर सकते हैं कि मार्च में आप टोटल कर लीजिए जितना पेमेंट आपने रेंट का किया हुआ है, और आप क्या कर सकते हैं कि मार्च वाला जो रेंट है उसमें से आप
टोटल अपना टीडीएस कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, और मार्च वाले रेंट में से आप उस टीडीएस को माइनस कर दीजिए और बाकी रेंट का पेमेंट आप उन्हें कर दीजिए। तो दोस्तों यदि आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है, आप 50,000 रुपए से ज्यादा का आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप यदि टीडीएस को डिडक्ट नहीं करते हैं या यदि आप टीडीएस को डिडक्ट करते हैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है जो कि 1% है, 1.5% है, 200 रुपीस पर डे है, इसके अकॉर्डिंग पेनाल्टी आपके ऊपर लग सकती है। दोस्तों टीडीएस कलेक्ट करने के बाद अब उसको किस तरीके से गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, उसकी उसके लिए कौन सा फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है। बेसिकली जो फॉर्म 26QC है ये टीडीएस चालान कम स्टेटमेंट होता है, यानी कि टीडीएस को जमा करने के लिए भी यही फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और साथ में रिटर्न के लिए भी आपको यही फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। तो फॉर्म 26QC को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और ये जो फॉर्म होता है ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि जो टेनेंट है जो रेंट कलेक्ट कर रहा है ये उसके द्वारा ये फॉर्म क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है। और यहाँ पर जनरली जो अदर सेक्शन में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उसको पेमेंट करने के लिए और टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए जो 10 नंबर है वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन दोस्तों सेक्शन 194IB के लिए यदि आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है या टीडीएस रिटर्न फाइल करना है तो उस केस में कोई भी यहां पे 10 नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता है। और यहां पर जो फॉर्म 26QC है इसको 30 डेज का जो टाइम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही इसको सबमिट करना पड़ता है। तो अब दोस्तों यहां पे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी रेंट एग्रीमेंट बनवाया, लेट सपोज कि 1 जुलाई 2024 को 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट आपने बनाया कोई और 70,000 रुपए महीना किराया उसका आपका तय हुआ है रेंट एग्रीमेंट के अनुसार। तो दोस्तों यहां पे मैंने बताया कि जो फॉर्म 26QC है किस तरीके से फाइल होगा, तो यहां पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल यदि 24-25 में देखा है तो टोटल 9 महीने का इसमें आ रहा है और जो रिमेनिंग 3 मंथ्स होगा वो आपका 25-26 फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। तो 9 महीने का टोटल जो रेंट आपका आएगा वो 6,30,000 रुपए आएगा 70,000 रुपए महीने के हिसाब से। और दोस्तों जो रेंट है लास्ट मंथ का यानी कि जो मार्च का जो रेंट होगा वो हमारा 70,000 रुपए जो मार्च का रेंट है। अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज कि हम हर महीने रेंट को पे करते चले गए लेकिन हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। जैसे मैंने बताया दोनों ऑप्शन है, या तो आप हर महीने टीडीएस डिडक्ट करिए और फॉर्म 26QC फाइल करिए, या तो आप एक बार में ही पूरे साल भर के अंत में यानी कि मार्च में आप क्या करिए एक ही बार डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दीजिए। तो ये जो है मार्च का लेट सपोज कि ये आपका रेंट है 70,000 रुपए, तो टीडीएस आप इसी में से डिडक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहां पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194IB में 18,900 रुपए का टीडीएस आप 70,000 में से डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आप पेमेंट कर देंगे लैंडलॉर्ड को। अब यहां पे जो 18,900 का जो कैलकुलेशन है वो कैसे आया है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे 210,000 रुपए 3 महीना आपको क्या करना है 5% के रेट से लेना है, यानी जुलाई अगस्त सितंबर तक तो 5% का रेट लगेगा, 1 अक्टूबर 2024 से रेट क्या हो चुका है 2% का हो चुका है। तो रिमेनिंग 4,20,000 पे 2% से रेट से 8,400 टीडीएस अमाउंट आया, टोटल हमने प्लस कर दिया 18,900, ये टोटल टीडीएस का अमाउंट आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट हम ये मान रहे हैं कि 31/3/25 को ही आपने क्या कर दिया उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में सारा अमाउंट रेंट का चढ़ाया हुआ है और डेट ऑफ टीडीएस भी 31/3/25 का है। और यहाँ पे फॉर्म 26QC आपको 30 अप्रैल 2025 तक फाइल कर देना है जिसमें टीडीएस का पेमेंट भी आप करेंगे साथ में रिटर्न भी फाइल करेंगे। और दोस्तों टीडीएस का जो रिटर्न है वो सबमिट करने के बाद यानी फॉर्म 26QC सबमिट करने के बाद आपको 15 दिन के अंदर जो लैंडलॉर्ड है उसको क्या करना पड़ता है, टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो कि फॉर्म 16C में आपको जनरेट करना होता है। जैसे ही आप 26QC सबमिट करते हैं 15 दिन के अंदर आप इस फॉर्म को जनरेट करके आप लैंडलॉर्ड को दे देंगे, तो 15 मई 2025 तक आपको क्या करना है फॉर्म 16C इशू कर देना है, जिससे कि लैंडलॉर्ड क्या कर सके अपनी आईटीआर जब फाइल करेगा तो उसको टैक्स क्रेडिट लेने में हेल्प हो सके। दोस्तों प्रॉपर्टी रेंट पे टीडीएस कलेक्ट करने के बाद उसे डिपॉजिट करना और उसका जो रिटर्न फाइल करना है तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहां पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे आपको बेसिकली न्यू पेमेंट पे आपको जाना है और इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे यहां पे आ जाएंगे और यहां पे देख सकते हैं
फॉर्म 26QC यहाँ दिख रहा है TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इस पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे देखिए पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको मेंशन कर रहा है, अलर्ट कर रहा है आपको कि यदि आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया है तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि लैंडलॉर्ड का जो पैन है वो ऑपरेटिव है या नहीं है। यदि दोस्तों लैंडलॉर्ड का पैन यहाँ पे इन ऑपरेटिव है तो उस केस में TDS जो डिडक्ट होगा वो 20% के रेट से डिडक्ट होगा। तो लैंडलॉर्ड का पैन ऑपरेटिव है या इन ऑपरेटिव उसे चेक करने के लिए आपको वेरीफाई पैन स्टेटस पे जाकर के उसको चेक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है लैंडलॉर्ड का कि लैंडलॉर्ड रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो आप इन दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी क्योंकि आप एक टेनेंट है और आप जो है यहाँ पे TDS डिपॉजिट कर रहे हैं, साथ में TDS का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो आपकी होगी ये ऑटोमेटिक इसी पोर्टल से ही एक फेच कर लेगा डाटा, आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछ रहा है वेदर मोर देन वन टेनेंट, क्या आप एक ही लैंडलॉर्ड के मकान में आप लोग दो किरायेदार हैं या फिर तीन किरायेदार हैं। तो यदि कुछ ऐसा केस है तो फिर हर एक टेनेंट को फॉर्म 26QC सेपरेटली यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना। यदि यहाँ पे मोर देन वन टेनेंट का केस नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लैंडलॉर्ड की डिटेल आपको सबमिट करनी होती है, पैन नंबर, लैंडलॉर्ड का पैन नंबर इंटर करना है, उसका पैन नंबर कंफर्म करना है, ठीक है। और इसके बाद एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है और यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लैंडलॉर्ड का जरूर मेंशन करना है। वेदर मोर देन वन लैंडलॉर्ड, यदि एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड का केस है तो उस केस में आपको यस पे क्लिक करके दूसरा आपको फॉर्म 26QC फाइल करना पड़ेगा जो भी शेयरिंग होगी लैंडलॉर्ड के उसके अकॉर्डिंग। यदि कुछ भी नहीं हुआ तो नो पे क्लिक करके आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर। इसके बाद दोस्तों लैंडलॉर्ड की डिटेल्स आप एंटर करने के बाद अब आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है, जो भी आपने ले रखा है, लैंड ले रखा है तो लैंड पे सेलेक्ट करेंगे। यदि कोई आपने बिल्डिंग ले रखे, चाहे शॉप हो, अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, बंगला हो, ये आपने ले रखा है या फिर दोनों ही, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंग की जो डिटेल्स है यानी कि जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें प्रॉपर तरीके से जहाँ पे बिल्डिंग आपकी है जिस जो कि आप किराए पे यूज़ करें, कभी कभी क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड होता है उसका एड्रेस कुछ और होता है और जहाँ पे वो किराए पे मकान दिया होता है उसका एड्रेस कुछ और होता है, तो आप यहाँ पे पूरी बिल्डिंग की एड्रेस यहाँ प्रॉपर तरीके से एंटर करेंगे, उसका फ्लैट नंबर, रोड, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस एरिया, लोकेलिटी, स्टेट। और दोस्तों यहाँ पे पीरियड ऑफ टेनेंसी आपको एंटर करनी है कि आप कितने महीना जो है उसमें आपने स्टे किया उस मकान में, कितना आपने रेंट पे किया, इसके बाद लास्ट मंथ में आपने रेंट कितना पे किया, जैसे कितना अमाउंट आपने पे किया हुआ है वो अमाउंट लिखेंगे। रेट एट विच TDS डिडक्टेड, यहाँ पे आपको रेट अप्लाई करना है तो जनरली 5% का रेट अप्लीकेबल है सितंबर तक, उसके बाद 2% का रेट अप्लीकेबल होगा तो वो आप इंटर करेंगे। यहाँ पे TDS जो भी आपने डिडक्ट किया है उसका अमाउंट इंटर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट टू द लैंडलॉर्ड, आपने किस डेट को पेमेंट करा है लैंडलॉर्ड को रेंट का, वो डेट मेंशन करना है और डेट ऑफ डिडक्शन यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने आपको बताया था जिस डेट को आप क्रेडिट करें या जिस डेट को पेमेंट करें, दोनों में से जो पहले हो, या फिर आप दोनों ही डेट 31 मार्च को यदि आप कर रहे हैं डिडक्ट तो आप 31 मार्च यहाँ डाल देंगे, 31 मार्च यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे दोस्तों TDS का अमाउंट इंटर करना है, कोई इंटरेस्ट वगैरह लेट यदि आप पे करें तो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए, यदि आपका नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, यदि डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, यदि आपका इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी बैंक सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप इसका सक्सेसफुली पेमेंट आपने कर दिया, दोस्तों पेमेंट करने के बाद चालान की कॉपी जनरेट हो जाएगी, इसके बाद आपको 15 दिन के अंदर इसका TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16C में आपको जनरेट करना है जो कि ट्रेसेस के पोर्टल से ही जनरेट कर पाएंगे, अब उसको फिर आपको लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत।